तो वहीं देहरादून में हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से सजग है। पहले की तरह हमने किसी भी भर्ती घोटाले को ना तो दबाया और ना ही छुपाया है। जितने भी मामले सामने आए हैं हमने उनकी जांच भी कराई है और दोषियों को जेल भी भेजा गया है। साथ ही बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने ये पहले ही तय कर लिया था कि भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए बड़ा कानून बनाएंगे। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून हम लेकर आ रहे हैं, ऐसा पुख्ता व्यवस्था भी अब किया जा रहा है। साथ ही भविष्य में होने वाली सारी परीक्षाएं पारदर्शी और नकल विहीन हो। प्रदेश के युवाओं के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हमारी सरकार युवाओं के हित में फैसले ले रही है। प्रदेश की बहन बेटियों के लिए हमारी सरकार ने महिला आरक्षण भी सुनिश्चित किया है। सभी के हितों को संरक्षित किया जाएगा। युवाओं से अनुरोध है कि किसी के बहकावे में ना आए। वहीं पत्थरबाजी की इस घटना की निंदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट के साथ साथ कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी की है। उत्तराखंड के सभी युवा साथियों से अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें। विपक्ष की कालखंड का जो भ्रष्टाचार वृक्ष है उसको उखाड़ने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगामी दिनों के अंदर पारदर्शी नियुक्तियां हो, परीक्षा पारदर्शी हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आज जो घटनाक्रम हुआ है ये विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते उनके कालखंड के कारनामे ये सार्वजनिक हो। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील भी करता हूं कि ऐसे युवाओं को भड़काने वाले तथा पत्थरबाजी में शामिल लोगों को बेनकाब होना चाहिए, उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। उत्तराखंड का युवा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखता है और मैं पुनः अपने सभी युवा साथियों अपील करता हूं विश्वास बनाएं, क्योंकि इस भ्रष्टाचारी वृक्ष को जड़ से समाप्त करने में समय लगना आवश्यक था। सबको रोजगार मिलेगा, रोजगार का पूरा एक मॉडल और पारदर्शी परीक्षा हो, इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। जो उत्तराखंड में युवाओं के साथ घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज घटना हुई है युवाओं के साथ उस पर जल्द से जल्द जान बिठाने की बात कही है और दोषियों को सजा देने की बात करी है। लेकिन मैं उत्तराखंड के युवाओं से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये समय धैर्य बनाने का है, ये समय अपने युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार सब पे भरोसा करने का है। हम आपके साथ हैं, हम आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा एक संकल्प था कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, रोजगार से जोड़ना है और धामी सरकार लगातार उस पर कदम उठा रही है। जिस तरीके से पेपर लीक मामले में धामी सरकार ने कार्रवाई करी है, जिस तरीके से 55 लोगों के ऊपर FIR करके उनको जेल भेजने का काम किया है, ये कठोर कदम अगर कोई उठा सकती थी तो युवा मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही उठा सकती थी। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा आपका फायदा उठाया जा रहा है, आपको भड़काया जा रहा है, उत्तराखंड में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आप पूर्ण भरोसा रखिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके भविष्य की चिंता करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला समय आपके लिए सुंदर होगा, आपके लिए अच्छा होगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाते हुए आपसे अपील कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए, हम सब ठीक करेंगे और उत्तराखंड सरकार आपके साथ है। प्रदेश के युवाओं से धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूं, उनको विश्वास दिलाता हूं कि पुष्कर सिंह धामी सरकार उनके साथ है। कुरीति संस्कार द्वारा जो भ्रष्टाचार रूपी सिस्टम यहां पर बनाया गया, सरकार उसको जड़ से उखाड़ने के लिए संकल्प है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसी भी युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, विपक्ष किसी प्रकार की भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई न हो और उनके समय में काले कारणों की कली न खुले, इसलिए बेरोजगारों को बरगलाने का काम कर रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं, सिस्टम में घुसे इस दीमक को समूल नाश का काम कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के कुछ नेता युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और आज की पत्थरबाजी में भी उन्हीं कांग्रेसियों का हाथ है, न कि हमारे युवाओं का हाथ है। इसलिए मैं इन युवाओं से कहता हूं कि आप इनके बहकाव में न आए, आप आए हमसे, आपसे बात करने को तैयार हैं और ये विपक्ष की जो साजिश है इसमें गुमराह न हो, शामिल न हो, ऐसी मैं आपसे अपील करता हूं। इस प्रकार के समाचार कभी भी सुमत नहीं होते, लेकिन मेरा युवाओं से यह
अपील है या अनुरोध है कि वह धैर्य बना के रखें, सरकार पर विश्वास करें। धामी जी खुद युवा हैं और युवाओं की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझते हैं, और धामी जी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री के रूप में उनकी यह पूरी कोशिश है कि भ्रष्टाचार के बीच जो पूर्ववर्ती सरकारें रोक गई हैं, इन जैसे पवित्र संस्थानों में उस भ्रष्टाचार के दीमक को निकालने का भरकस प्रयास जो है धामी जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से वो हर उस शिकायत का संज्ञान ले रहे हैं जो युवाओं के साथ में किसी भी प्रकार का अन्याय करते हों। माननीय मुख्यमंत्री जी ने SIT से लेके STF तक का गठन करते हुए ऐसे अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार जो विज्ञप्ति जारी होने के बाद में परीक्षा जब होती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी नकलचियों द्वारा कोई ना कोई प्रकरण सामने आ जाता है। प्रदेश के युवाओं से धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूँ। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा रोके गए भ्रष्टाचार के दीमक निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके पूरी संस्थान से गौर किया। हमारा ये प्रयास है कि जो पूर्ववर्ती सरकार के कालखंड के समय के ये काम है, इनको किस तरह से उजागर करके इस भ्रष्टाचार के दीमक को सामूल नष्ट कर दिया जाए। लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि उनके कालखंड के दौरान के इन काले कारनामों की पोल खुले। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस भ्रष्टाचार के दीमक को सामूल नष्ट करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जो आपके इस बात का हमें भी खेद है कि आप लोगों ने जो मेहनत की और आर्थिक तौर पर जो कमजोर बच्चे थे, जिन्होंने जिस तरह से आर्थिक अभाव के बावजूद अपनी तैयारियां करके अपने भविष्य को बनाने का जो प्रयास किया था, इन लोगों की काली करतूतों के कारण कहीं ना कहीं उस पर उनका नुकसान हुआ। सरकार इस हमेशा के लिए नौकरियों के भ्रष्टाचार को सामूल नष्ट करने के लिए पूरी तरह की संकल्प है। इसके सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि सरकार उनके साथ खड़ी है, और सरकार ने पहले भी जब जब भर्ती घोटाले हुए हैं पिछली सरकारों में, तो सरकार ने हमारे तुरंत उस पर एक्शन किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितने लोगों ने भी गड़बड़ किया उनको जेल भेजने का काम किया, और मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ सभी छात्रों से कि वो संयम बरतें, किसी के बहकावे में ना आए, और सरकार पारदर्शी एग्जाम भी कराएगी, सरकार जो है अच्छे एग्जाम भी कराएगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार जो है युवाओं के साथ हमेशा खड़ी रहती है, और इस प्रदेश में सर्वाधिक नौकरी देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी हम अपने राज्य में 20,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने वाले हैं, और सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि वो जो है संयम से काम लें और किसी के बहकावे में ना आएं।